अमरीका ने एक बार फिर वाजे किया है कि पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत नहीं करेंगे। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीका मोहलिक हथियारों के फैलाव की हिमायत करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करके बैन अलावा अदम फैलाव के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। अफगान काउंसल जनरल के पाकिस्तानी तराने के एहतराम में खड़े न होने के मामले पर दफ्तर खारजा ने शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि इस्लामाबाद और काबुल में अफगान हुकाम तक अपना शदीद एहतजाज पहुँचा रहे हैं। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेतौकीदी सफारती उसूलों के खिलाफ है। साबिक सदर मम्लिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में बानी पीटीआई का अहम पैगाम पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक पैगाम में कहा गया कि हुकूमत अदलिया पर शबे खून मारना चाहती थी, जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। हम आपके किरदार को सराहते हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसका एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। काबीना इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुछ देर बाद सिविल सेक्रेटरीट में होगा। इजलास के लिए 40 से नकायत एजेंडा जारी किया गया है।